कहा था बृजभूषण शरण सिंह ने। कुश्ती महासंघ अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ने इस्तीफा देने से ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि इसके बाद तो मैं अपने आप को ही अपराधी घोषित कर दूंगा। और अब लगता है जैसे बृजभूषण शरण सिंह को इस्तीफा देना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जांच कमेटी ने बृजभूषण शरण सिंह को पिता तुल्य बता दिया है। जी, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 7 महिला पहलवानों ने यौन शोषण की FIR दर्ज कराई है। मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है और खेल मंत्रालय ने जांच के लिए ओवरसाइट कमेटी भी बनाई थी। इस ओवरसाइट कमेटी की अध्यक्षता ओलंपिक मेडलिस्ट बॉक्सर HC मैरी कॉम कर रही थी। उनके अलावा इस कमेटी में रेसलर बबीता फोगाट, योगेश्वर दत्त भी इस कमेटी का हिस्सा थे। पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी तृप्ति पांडे, टॉप्स के पूर्व CEO राजगोपालन और भारतीय खेल प्राधिकरण की पूर्व कर्मचारी निदेशक टीम राधिका श्रीमन भी जांच कमेटी में शामिल थी। और अब इस जांच कमेटी ने पिछले कई दिन से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को ट्रेनिंग पर वापस लौटने की सलाह दे दी है। और जिन बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है उनको कमेटी ने पिता तुल्य बता दिया है। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कमेटी के आए फैसले के बारे में बात करते हुए पहलवानों ने कहा, जांच के दौरान हमें कहा गया कि बृजभूषण शरण सिंह हमारे पिता जैसे हैं। उन्होंने हमसे कहा कि बृजभूषण सिंह तो तुम्हारे पिता जैसे हैं, वो तो ऐसी ही चीजें कर रहे थे, तुमने उसे यौन शोषण समझ लिया। पहलवान ने ये भी बताया, कमेटी ने हमसे ये भी कहा कि हम बृजभूषण शरण सिंह की छवि खराब कर रहे हैं। हमसे ये तक कहा गया कि इन सब का कोई फायदा नहीं है, हम ट्रेनिंग पर वापस लौट जाएं। जिसे धरने पर बैठे पहलवानों को आपत्ति है, वो जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। पहलवानों ने अपनी पुलिस शिकायतों में तो ये भी कह दिया कि गवाही देते समय ऐसे मौके आए जब समिति ने वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दी। पहलवानों ने समिति पर मामले को निपटाने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया। धरने पर बैठे पहलवानों ने कहा, वो हमें जल्दी से निपटाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे वो एक कान से हमारी बात सुनने और दूसरे कान से निकाल देना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम जल्दी से अपनी बात पूरी कर दें। बयान पूरा होने से पहले ही हमें आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा था। पहलवानों के मुताबिक तो उनके यौन उत्पीड़न के ऑडियो और वीडियोस की भी समिति ने मांग की है। एक प्रदर्शन कर रहे पहलवान ने तो ये भी कहा, समिति के सदस्यों में से एक ने खुले तौर पर कहा कि सिंह एक पिता की तरह थे और उनकी हरकतें पूरी मासूमियत के साथ की गई थी और हमारे द्वारा गलत समझा गया था। समिति के एक सदस्य ने पीड़ितों में से एक को प्रशिक्षण पर लौटने के लिए कहा। हालांकि समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन ये जो हालात बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हैं, पहलवानों ने जिस तरह से समिति पर आरोप लगाए हैं, उससे क्या मतलब निकाला जाए? क्या सच में समिति इन पहलवानों के दावे के मुताबिक इनके साथ हुए यौन उत्पीड़न को लेकर गंभीर नहीं है? क्या सच में समिति असंवेदनशील है, या फिर कोई और एजेंडा है जिसको अंजाम देने के लिए पहलवानों को जंतर मंतर पर बैठाया गया है? समिति के फैसले के बाद तो मानो ये लड़ाई और ज्यादा उलझ गई है। समिति बृजभूषण सिंह को पिता तुल्य बता रही है, वहीं प्रदर्शन कर रही महिला खिलाड़ी बृजभूषण को यौन उत्पीड़न का आरोपी बता रही है। अभी पता नहीं ये लड़ाई और कितनी लंबी चलने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या प्रदर्शनकारी पहलवान कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं, या फिर बृजभूषण शरण सिंह इतने ताकतवर हो गए हैं कि फैसला लेने के लिए, जांच करने के लिए बनाई गई समिति की जांच को भी प्रभावित कर ले रहे हैं? इस सब के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।